सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। दौलत से दोस्त बने वो दोस्त नहीं, पर सच कहूँ तो दोस्त जैसी कोई दौलत नहीं। जल्दी गुस्सा करना मूर्खता साबित करता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। आज का पंचांग 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 3:05 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 6:09 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:30 से 5:03 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:00 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 11:38 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार, आपने किसी परियोजना में अपना काफी समय और प्रयास लगाए हैं और आपको अब इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। दूरदृष्टि के साथ साथ आपके दृढ़ संकल्प और प्रयास भी रंग लाए हैं। आप कुछ नए बदलाव करना चाह रही हैं, लेकिन वित्तीय बाधाएं हैं। आज आप सीमित साधनों से ही इन कामों को पूरा करने के लिए सृजनात्मक तरीके खोज लेंगे। ग्रहों की स्थिति बता रहे कि आज का दिन इस राशि के लोगों के लिए व्यापार के मामलों में काफी अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र पर काम धंधे से संबंधित कार्यों में अच्छी बिक्री को दर्शाने वाला रहेगा। विदेशी उत्पादों से संबंधित आयात बढ़ता हुआ देखा जाएगा। आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके सभी काम आज आसानी से पूरा होते जाएंगे। प्रबंध एवं प्रशासन से जुड़े विभागों में काम को लेकर अत्यधिक दबाव और कमजोरी की स्थिति रह सकती है। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारियों पर काम को लेकर सख्ती अपनाई जा सकती है। दाम्पत्य संबंधों में कुछ अहम टकराव देखा जा सकता है। कोई भी तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें। आज आप अपनी माता से लाभ पा सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत माँ के आशीर्वाद के साथ शुरू करें तो यह अधिक लाभप्रद रहेगा। आज परिवार में किसी वरिष्ठ जन की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही से बचें। खान पान में आज संयम रखें। रक्तचाप से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। आज के दिन आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उन्हें पराजित करने में कामयाब रहेंगे। सावधानियां, आप अपने घर परिवार में वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करने के लिए कुछ समय निकालेंगे। परिवार में चल रही कलह के कारण आपका कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा। आपको जल्दबाजी में कोई भी सौदा करने से बचना होगा। ज्यादा जरूरी हो तो किसी की सलाह जरूर लें। जीवन साथी से चल रही अनबन को आप मिलकर समाप्त करेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप अपने रोमांटिक संबंध को अधिक समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप दूसरे पारिवारिक संबंधों में व्यस्त रहेंगे। आपके माता पिता या बच्चे आपसे आपका काफी समय मांगेंगे, लेकिन अगर आप इन सब जिम्मेदारियों में अपने पार्टनर को भी शामिल कर लेंगे तो रोमांस के लिए भी मौका निकल ही आएगा। इससे आपके संबंध को एक नई ताजगी भी मिलेगी। बात करते हैं करियर की। आज आप एक दार्शनिक मुद्रा में रहेंगे और गहरी सोच वाली ऐसी किसी भी नौकरी में आज आप सफलता को छुएंगे। शिक्षकों, वकीलों, दार्शनिकों, प्रचारकों और राजनेताओं के लिए आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको सांसारिक एवं जीवन के गहरे सवालों के बीच ध्यान देने की जरूरत है। व्यवहारिक स्थिति से अपना मुख मोड़ना आज आपकी सबसे बड़ी समस्या है। बात करते हैं सेहत की। आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है।
आज के दिन एथलीटों और अन्य खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और उन सबको अच्छी खासी सफलता मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आप अपने शरीर में ऊर्जा का जबरदस्त प्रवाह अनुभव करेंगी और आपका दिमाग भी तरोताजा और सक्रिय बना रहेगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।